साथ यशी शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ धाम में जयकारों की गूंज। कोविड 19 की छूट मिलने के बाद केदारनाथ धाम में यात्रा परवान चढ़ने लगी है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं और सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। श्रद्धालु मंदिर प्रांगण के आगे भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी व्यवस्थाएं बनाने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में कोरोना महामारी के फैलने की आशंका भी बनने लगी है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम में दर्शनों की बुकिंग एक सप्ताह तक फुल हो चुकी है। यात्रियों की बढ़ती आमद से केदार घाटी में रौनक देखने को मिल रही है और व्यापारियों के भी चेहरे खुल उठे हैं। यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं न होने से तीर्थयात्री परेशान नजर आ रहे हैं और उन्हें प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में यात्रा चढ़ने लगी परवान। छूट मिलने के बाद लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की बड़ी आमद। मंदिर प्रांगण में उमड़ रहे श्रद्धालु। सामाजिक दूरी का नहीं किया जा रहा पालन। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालु परेशान, नहीं खुली दुकानें। कोरोना महामारी के चलते चारों धाम की यात्रा पर बुरा असर पड़ा, जिससे धामों में यात्रियों की संख्या भी काफी कम रही है। मगर अब सरकार की ओर से कोविड 19 की गाइडलाइन में छूट मिलते ही यात्रा में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार के 72 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त करने के बाद यात्रा रूटों पर यात्रियों की आमद बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में बुकिंग एक सप्ताह तक फुल हो गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड ने धामों में दर्शन का समय दोपहर 12 बजे से बढ़ाकर 3 बजे तक कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते लोगों के व्यवसाय पर बुरा असर देखने को मिल रहा था। यात्रा मार्गों पर सन्नाटा छाया रहता था, मगर 2-3 दिनों से यात्रा में भारी इजाफा देखा जा रहा है। हर दिन केदारनाथ यात्रा का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की जिम्मेदारियां भी ऐसे में बढ़ गई हैं। केदार घाटी के गुप्त काशी, फाटा, सोनप्रयाग, सीतापुर, गौरीकुंड में यात्रियों की चहलकदमी से रौनक लौट आई है। इससे व्यापारियों का व्यवसाय भी पटरी पर लौट आया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे तीर्थ पुरोहितों में कोरोना महामारी का भय भी बना हुआ है। केदारनाथ के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा कि प्रशासन ने जो है यात्रा खोल दी है, इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो है कि सोशल डिस्टेंस का कोई वो नहीं है, जिससे कि ये महामारी फैल सकती है। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, जो भी लोग यात्रा में आ रहे हैं श्री केदारनाथ धाम में भगवान के दर्शन के लिए केदारनाथ में आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा नहीं तो ये महामारी जो है फैल सकती है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डीमरी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे पर्यटकों से गुलजार सरोवर नगरी। ऑनलाइन मार्च के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटक स्थल फिर से गुलजार।